ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब यह सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से, कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे, संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। मोदी गवर्नमेंट एंड बीजेपी पार्टी, दे आर अंडर द इम्प्रेशन दैट राहुल गांधी हैज टू बी थॉटल्ड, हैज टू बी मजल्ड, बिकॉज इफ राहुल गांधी इज अलाउड टू स्पीक इनसाइड द पार्लियामेंट देन द डेंजर विल कम फॉर देम, दे विल बी डिसलॉज from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है।